नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच लंदन के द ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जो रूट का ये फैसला सही भी साबित होता नजर आया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया एक वक्त इतना स्ट्रगल कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पहली पारी में भारतीय टीम 150 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी। हालांकि नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने उतरे शार्दुल ठाकुर के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर टीम का स्कोर 191 रनों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शार्दुल ठाकुर ने मैच में सबसे ज्यादा 36 गेंदों पर 57 रनों की आतिशबाजी की। इस दौरान शार्दुल ने टीम इंडिया के दिग्गज पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का एक बड़ा रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही इस मैच में शार्दुल ठाकुर ने मात्र 31 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। शार्दुल ठाकुर ने अपनी इस पारी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया और भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शार्दुल अब दूसरे पायदान पर पहुंच गए, जिन्होंने महज 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं इस लिस्ट में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में अर्धशतक लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वहीं सहवाग ने इंग्लैंड के खिलाफ 32 गेंदों में अर्धशतक लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस मैच से पहले दूसरे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग का कब्जा था, जिन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, लेकिन अब शार्दुल ने सहवाग को पीछे छोड़ दिया। बहरहाल, टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच पर एक नजर डालें तो पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। टॉस इंग्लैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में शार्दुल ठाकुर की शानदार 50 की बदौलत 191 रन बनाए। पहली पारी में इंग्लैंड के अभी तक 53 रन बन चुके हैं। हालांकि टीम ने 3 विकेट खो दिए। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।